हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग माइंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। बिफोर वी बिगिन विद द चैप्टर एक्सप्लेनेशन, हम थोड़े से क्वेश्चंस रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज द हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट किंगडम्स। ओके, तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है किंगडम से। जैसे कि सभी एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया में डाल देते हैं, देन सभी प्लांट्स को किंगडम प्लांटे में डाल देते हैं। दिस वाज फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्लासिफिकेशन। जो भी एक किंगडम को बिलोंग करते हैं उन एनिमल्स को फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। उन्हें फिर से डिवाइड किया जाता है इनटू डिफरेंट फाइलम्स। जैसे किंगडम एनिमेलिया का बात करें, जो भी एनिमल्स उस किंगडम के अंदर है उनको उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के हिसाब से डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, अलग अलग फाइलम्स होते हैं। अब एक फाइलम में जो एनिमल प्रेजेंट है उनमें भी थोड़े सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस रहेंगे, तो उनके बेसिस पे उसे फर्दर डिफरेंशिएट किया जाता है इनटू डिफरेंट क्लासेस। ओके, एक फाइलम को फिर से डिफरेंशिएट किया जाता है इनटू डिफरेंट क्लासेस। ऐसे ही हर एनिमल का सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस देखकर उन्हें फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, उन्हें डिफरेंशिएट किया जाता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। और ये है डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे कि किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो स्पीशीज जो होता है वो सबसे छोटा कैटेगरी होता है, जहाँ पे सारे एनिमल्स जो होते हैं उनमें 90% जो होगा उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, तो ये जो स्पीशीज होते हैं, दीज एनिमल्स कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऐसे सभी एनिमल्स जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं उन्हें सबको एक स्पीशीज माना जाता है, एक स्पीशीज कंसिडर किया जाता है। ठीक है, so this is the hierarchy for classification of living organism. Next question, who invented binomial system of nomenclature? ये आपने आपके last year chapter number 1 में सीखा था। Carl Linnaeus, a Swedish botanist, उन्होंने invent किया था ये binomial nomenclature. Next is, which levels of hierarchy are considered while writing the name in the binomial nomenclature? Okay, what do you mean by binomial nomenclature? Binomial nomenclature is a naming system. हर एक organism को एक specific scientific name दिया जाता है, उसे कहते हैं binomial nomenclature. इस binomial nomenclature में होता है दो part, genus and species. तो फर्स्ट वर्ड होता है जीनस। हमेशा जब भी हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसका जीनस का नाम लिखेंगे, दैट इज वो एनिमल या ऑर्गेनिज्म कौन से जीनस को बिलोंग करता है। ठीक है, सेकेंड वर्ड है स्पीशीज का नाम, दैट इज वो कौन से स्पीशीज को बिलोंग करता है, वो हम सेकेंड लिखेंगे। दिस ऑर्डर इज ऑलवेज फिक्स्ड, हमेशा पहला जीनस नेम ही आएगा एंड सेकेंड वर्ड स्पीशीज नेम ही आएगा। एंड इसे लिखने का एक तरीका होता है, दैट इज इट इज ऑलवेज रिटर्न इन इटैलिक फॉर्म, दैट इज थोड़ा सा टिल्टेड होता है। और फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज ऑलवेज कैपिटल, और स्पीशीज पूरा हम स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पैंथेरा टाइग्रिस, जहाँ पे पैंथेरा जो है दैट रिप्रेजेंट्स अ जीनस नेम, टाइगर पैंथेरा जीनस को बिलोंग करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो पी है दैट इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज कैपिटल, और टाइग्रिस जो है दैट रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज नेम। सो टाइगर जीनस पैंथेरा एंड स्पीशीज टाइग्रिस को बिलोंग करता है, सो दैट्स वाई द साइंटिफिक नेम फॉर टाइगर इज पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, सो दीज वर द क्वेश्चंस, नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। नाउ व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी एक शॉर्ट फॉर्म है दो वर्ड्स का, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको प्लांट्स दिखेंगे, एनिमल्स दिखेंगे, देन यू हैव लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड जो हमें दिखते नहीं है विद आवर नेकेड आई, बट दे आर स्टिल प्रेजेंट अराउंड। ये सभी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हो सकते हैं, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, राइट? सो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि ये ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। सो क्योंकि इतने सारे एनिमल्स, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है अर्थ पे, तो इन्हें स्टडी भी तो करना इंपॉर्टेंट है, टू नो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, टू नो देयर सिमिलैरिटीज, हाउ दे आर सर्वाइविंग ऑन दिस अर्थ, ये सभी कुछ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जानने के लिए इन सभी ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब व्हाई डू वी नीड
क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसिस 87 मिलियन स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट है इंक्लूडिंग लैंड एंड सी. तो इतना वास्ट वैरायटी ऑफ जब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इनके बारे में स्टडी करना उतना डिफिकल्ट होगा. सो इन्हें डिवाइड किया जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो दिस इज अ डेफिनेशन फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट किया जाता है या फिर डिवाइड किया जाता है इंटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. ओके, एक ग्रुप को जो बिलोंग करते हैं उसे फर्दर क्लासिफाई करके फिर सब ग्रुप्स बनाया जाता है. ऐसे ही क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. द कार्ल लिनर्स ही वाज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिवाइड लिविंग वर्ल्ड इनटू टू किंगडम्स वेजिटेबेलिया एंड एनिमेलिया. इन्होंने लिविंग वर्ल्ड को जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कैटेगराइज किया था इंटू टू, दैट इज वेजिटेबेलिया एंड एनिमेलिया. लेटर ऑन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने 1969 में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पांच किंगडम में डिफरेंशिएट किया. ओके, कार्ल लिनर्स ने दो किंगडम्स बनाए थे वेजिटेबेलिया एंड एनिमेलिया. रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने पांच किंगडम बनाए थे. इन पांच किंगडम में से तीन किंगडम के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे. ओके, लेट्स लुक एट व्हाट आर दीस फाइव किंगडम्स. द फाइव किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. ओके, सो ये है पांच किंगडम जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है. सो रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने क्या क्राइटेरिया कंसिडर किया जिससे कि उन्होंने ये पांच किंगडम फॉर्म किए. तो सबसे पहला क्राइटेरिया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, दैट इज सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है. प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें कोई डिस्टिंग्विश्ड न्यूक्लियस नहीं होता. ठीक है, ना यू माइट बी नोइंग कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, थोड़े से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके अपने अपने काम होते हैं. ना प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये अलग न्यूक्लियस, अलग सेल ऑर्गेनल्स ये सब प्रेजेंट नहीं होते. दे जस्ट हैव अ बंडल ऑफ न्यूक्लियोइड. सो दैट शोज दैट इनका जो सेल होता है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है वो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इट्स जस्ट अ सिंपल सेल. बट वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करें तो उसके अंदर सेल न्यूक्लियस होता है, देन सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट जो कि प्रॉपरली डिस्टिंग्विश्ड रहते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं एंड सभी सेल ऑर्गेनल्स के अलग अलग फंक्शनैलिटीज होते हैं. तो सबसे पहला क्राइटेरिया था कि कितना कॉम्प्लेक्स है सेल. तो सेल अगर सिंपल है तो उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, सेल अगर कॉम्प्लेक्स है तो वो होते हैं यूकैरियोटिक. तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये था. सेकेंड क्राइटेरिया है कि ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्सिटी कितना है. सो ऑर्गेनिजम्स एज वी ऑल नो, कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं एंड कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं. तो यूनिसेलुलर कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर एक ही सेल होता है. और मल्टीसेलुलर, एज द नेम सजेस्ट, मल्टीसेलुलर मीन्स मेनी सेल्स. तो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना कंपेयर टू दीज यूनिसेलुलर. इसीलिए सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ कंसिडरेशन वॉज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. द थर्ड क्राइटेरिया वॉज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स है या सैप्रोट्रॉप्स है या हेटरोट्रॉप्स है. तो ऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि खुद अपना खाना बनाते हैं. ओके, दैट इज प्लांट्स. तो प्लांट्स जो होते हैं दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज दे आर मेकिंग देयर ओन फूड. तो इसीलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल. तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स. सैप्रोट्रॉप ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स बट दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन डेड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड कंज्यूम करने के लिए दूसरे डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम कहेंगे सैप्रोट्रॉप्स. अब हेटरोट्रॉप्स कौन हो गए? हेटरोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. जैसे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. सो उन्हें हम क्या कहेंगे? ऐसे एनिमल्स को हम कहेंगे हेटरोट्रॉप्स. तो थर्ड क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज लाइफ स्टाइल. नाउ दैट इज वेदर दे आर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स या फिर डीकम्पोजर्स. वॉट डू यू मीन बाई प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स मीन्स दी ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. जैसे हमने अभी ऑटोट्रॉप्स में कहा था, तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? दे आर प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते उनके फूड के लिए.
व्हाट आर कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो दूसरों को कंज्यूम करते हैं. दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज दे आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड. डीकम्पोजर्स, ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड डीकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज डीकम्पोजर्स. ठीक है, सो द फोर्थ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इज लाइफस्टाइल. Now the last criteria for classification is phylogenetic relationship. Now what do you mean by phylogenetic relationship is, like हमने स्कूल में एक फैमिली ट्री बनाया होगा कभी, तो उसमें हेड ऑफ द फैमिली होता है जो टॉप में आता है, देन उनके बच्चे होते हैं उन्हें हम प्लेस करते हैं, देन उनकी फैमिली को हम प्लेस करते हैं. सो अकॉर्डिंगली जो ये फैमिली ट्री बनता है, तो वहां पे आप देख सकते हो कि यू ऑल हैव अ कॉमन एंसेस्टर. आप और आपके कजन को कॉमन एंसेस्टर कौन है? आपके दादा, आपके दादा के दादा, दे आर कॉमन एंसेस्टर फॉर यू. ओके, अंडरस्टैंडिंग. सो दो स्पीशीज एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, जैसे हम बात कर सकते हैं हॉर्सेस और डोंकीज जो है, लाइक लॉट ऑफ इयर्स बैक दे हैड अ कॉमन एंसेस्टर, तो हम कह सकते हैं डोंकीज एंड हॉर्सेस दे आर क्लोजली रिलेटेड. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. Now let's talk about five kingdom system of classification. Okay, हमने just अभी जो criteria देखा था उसी को अगर diagrammatic representation अगर हम कहें, तो सभी living organisms को पहले तो दो categories में divide करते हैं depending upon कि उनका cell कितना complex है. ठीक है, तो cell complexity के हिसाब से that is prokaryotes and eukaryotes में divide करते हैं हम. प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? जिनके सेल के अंदर प्रॉपर कोई न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. एंड यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, ये सब कुछ होता है. ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट क्राइटेरिया. जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो बेसिकली जस्ट यूनिसेलुलर होते हैं, दैट मीन्स दे हैव ओनली वन सेल इन देयर बॉडी. दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर इन देम, इसलिए जस्ट इसमें एक ही कैटेगरी आता है. सभी प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट लुक एट दिस साइड. अब यूकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर प्रॉपर सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है. अब इन्हें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इंटू टू कैटेगरीज, दैट इज यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. यूनिसेलुलर मीन्स ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ही सेल होता है, और मल्टी सेलुलर मीन्स मेनी सेल्स आर प्रेजेंट. तो यूकैरियोट्स को फर्दर क्लासीफाई किस में करते हैं हम? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ओके, कंफ्यूज नहीं होना, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर को मोनेरा किंगडम में डालते हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को हम प्रोटिस्टा किंगडम में डालेंगे. सो दिस वाज अबाउट यूनिसेलुलर. अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इंटू थ्री डिफरेंट किंगडम्स, जैसे कि किंगडम फंगाई, जिसके अंदर सभी ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है बट वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते. ओके, फंगाइज आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, दे के नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड. ओके, सो फंगाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है बट वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते. देन आता है किंगडम प्लांटे, तो सारे ही प्लांट्स इसमें आ जाते हैं जिनके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है एंड दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ऑल्सो. ओके, सो किंगडम प्लांटे के अंदर कौन कौन आ गए? जो भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं एंड उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है. एंड द लास्ट किंगडम इज एनिमेलिया. एनिमेलिया किंगडम में सभी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनके अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है. सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है वो कहाँ पे आ जाता है? इन किंगडम एनिमेलिया. क्लियर? ये क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गया एकदम. Now let's look at the first kingdom, Monera. Okay, इनकी characteristics के बारे में बात करेंगे हम. Monera kingdom के अंदर कौन आ जाता है? All the bacterias and blue-green algae. हमने वो diagrammatic representation में भी देखा था. सभी prokaryotic organisms that are unicellular, they come under the kingdom Monera. Now what are the characteristics? इनके characteristics है कि वो unicellular है, मतलब उनके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होता है. देन दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक. सम ऑर्गेनिजम्स अंडर द किंगडम मोनेरा कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो वो आइदर ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं या फिर हेटरोट्रॉपिक, दैट इज दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं एंड कुछ हेटरोट्रॉपिक होते हैं. देन दे आर प्रोकैरियोट्स, दैट इज देयर सेल इज विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, दैट इज हम जो दही बनाते हैं उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया. नाउ दिस लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया बिलोंग्स टू द किंगडम मोनेरा. टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड एंड डाइल्यूट इट विद वाटर
एंड कवर स्लिप लगाकर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो यू विल सी थिन स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स ओके वो ऐसे मूव कर रहे होंगे. ये जो रॉड लाइक माइक्रोब्स है वो है लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया. तो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू द किंगडम मोनेरा जो कि हमारे दही में प्रेजेंट होता है एंड इट्स अ गुड बैक्टीरिया. हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है वो. ठीक है ना. नेक्स्ट किंगडम इज प्रोटिस्टा. ना प्रोटिस्टा किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि दे आर सिंगल सेल्ड मीन्स दे आर यूनिसेलुलर. दे आर यूकैरियोट्स दैट इज उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. देन इट दे हैव प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन देम तो दे आर यूकैरियोट्स. वन पेक्यूलर थिंग ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर उनके अंदर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज सीलिया या फिर सुडोपोडिया होता है या फिर विप लाइक फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन ओके. वो उनके मूवमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो समथिंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन देम जिसको हम कह सकते हैं सीलिया और सुडोपोडिया या फिर एक ऐसे पूंछ जैसे भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं विप लाइक फ्लैजेला ओके. फ्लैजेला इज द वर्ड. विप लाइक मीन्स जैसे पूंछ जैसे होती है वो एंड दैट्स फॉर देयर लोकोमोशन. सो हियर यू कैन सी ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दीज आर कॉल्ड एज सीलिया और इस सीलिया के हेल्प से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकता है. उनके लोकोमोशन के लिए वो हेल्पफुल होता है. देन सम ऑर्गेनिजम्स इन द किंगडम प्रोटिस्टा आर ऑटोट्रॉप्स दैट इज वो खुद अपना खाना बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आर यूगलिना वॉल्वॉक्स. इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. देन सम आर हेटरोट्रॉप्स दैट इज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. सो एग्जाम्पल्स आर अमीबा एंड पैरामोशियम. इसको अगर आपको चेक करना है यू कैन टेक सम पॉन्ड वाटर एंड अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखोगे तो यू विल बी एबल टू सी स्मॉल मोटाइल माइक्रोब्स मतलब जो मूव कर रहे हैं. मोटाइल मींस मूव कर रहे हैं एंड उनका कोई शेप नहीं होता दे हैव इरेगुलर शेप्स. सो ऐसे सभी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं. Now next we'll look at the characteristics of kingdom fungi. Kingdom fungi में organisms जो होते हैं they are non-green means वो खुद का खाना नहीं बना सकते. They do not have chloroplast इसीलिए वो non-green है मतलब green नहीं है okay. Eukaryotic है means उनका जो nucleus है वो well-defined है and properly nuclear membrane के अंदर enclosed है. Then heterotrophic मतलब दूसरे organisms पे dependent है for their food. Okay, then they are saprotrophs. Saprotrophs means organisms जो dead and decaying matter पे depend करते हैं for their food or for their survival. में cell wall present होता है and ये cell wall chitin material से बना होता है. Now, chitin is a tough complex sugar. इसलिए you can see these mushrooms they have a proper structure because of the cell wall present in them. Now some fungi are thread-like मतलब पतले धागे जैसे होते हैं and उनके अंदर बहुत सारे nuclei present होते हैं. उनके cytoplasm के अंदर that is cell के अंदर fluid होता है उसको हम cytoplasm कहते हैं. अब इस cytoplasm के अंदर बहुत सारे nuclei हो सकते हैं in some fungi. Now examples are baker's yeast, aspergillus, mushroom. ये सब है examples of kingdom fungi. Now let's look at classification of microbes. Now the largest living organism on earth are microorganisms. Microorganisms को further differentiate किया जाता है as prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes and eukaryotes के बारे में हमने discuss किया था. So prokaryotes को further differentiate कर सकते हैं into bacteria and eukaryotes को further differentiate किया जाता है into protista, fungi and algae. हमारे earth के ऊपर जो largest living organisms हम कह सकते हैं those are microorganisms. अब microorganisms को भी classify किया जाता है into different categories. तो depending upon the cell complexity उनको prokaryotes और eukaryotes में differentiate करते हैं. जो भी bacteria रहते हैं वो सभी prokaryotes होते हैं. Then eukaryotes के अंदर आ जाता है protista, fungi and algae. Now let's look at each of these groups in detail. Now what are the characteristics of bacteria? Bacteria ka size range karta hai from 1 micrometer to 10 micrometer. That is when they are very small. We cannot observe them with our naked eyes. Hum dekhi nahi payenge. Utne chote hote hai. We need a microscope to look at them. So they are unicellular. Means unki body mein sirf ek hi cell hota hai. They can be independent or parasitic. Wo इंडिपेंडेंट हो सकते हैं मीन्स दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन या फिर पैरासाइटिक मीन्स दे कैन एंटर सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी एंड देन सर्वाइव.
देन सम बैक्टीरियाज वो कॉलोनीज में रहते हैं. कॉलोनी किसे कहेंगे हम? जो बहुत सारे बैक्टीरियाज एक साथ रहते हैं तो उसे हम कॉलोनी कहते हैं. तो कुछ बैक्टीरियाज का कैटेगरी ऐसा है जो कि कॉलोनीज में रहते हैं, वो इकट्ठा रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं वो. सो बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक होता है, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस या सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, प्रोकैरियोटिक अभी तक हमने काफी बार डिस्कस किया. तो बैक्टीरियल सेल हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल ही होते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते. दे प्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिशन. ओके, सिंपली वो डिवाइड हो जाते हैं इनटू टू, दैट इज सिंपल बाइनरी फिशन. अगर फेवरेबल कंडीशंस है उनको ग्रोथ के लिए, जो एनवायरनमेंट फेवरेबल है, अगर वो एनवायरनमेंट कंडीशन में वो ग्रो करेंगे, दे कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स. उतना फास्ट होता है उनका ग्रोथ. सम एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरियाज आर कोकस, कोकोबैसिलस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरिलम. ठीक है, Now let's look at the characteristics of protozoa. Protozoa जो होते हैं उनका साइज approximately is somewhere around 200 micrometer. Okay? ये जो सिंबल देख सकते हो that is micro, वो denote करता है micro. So 200 micrometer. They are unicellular, means एक ही सेल होता है, with eukaryotic cell. Eukaryotic cell means organisms that have proper well-defined nucleus and cell organelles present in them. So, कहाँ पे पाए जाते हैं? They are found in soil, fresh water and sea water. Now, some protozoa are found in the body of other organisms and they are pathogenic. Pathogenic means they are disease-causing organisms. तो ये दूसरे organisms के body में जब घुस जाते हैं तो वो उस organism के अंदर कुछ ना कुछ बीमारियाँ produce करते हैं. तो कुछ protozoa दूसरे organisms के अंदर survive करते हैं and they are pathogenic. Now there is great variation in cell structure, organs of locomotion and modes of nutrition among protozoan. Protozoan group के अंदर बहुत सारे organisms हैं and वो सब एक दूसरे से अलग है on the basis of their cell structure. उनका organs of locomotion different हो सकता है, जैसे हमने discuss किया था कुछ organisms में cilia होता है locomotion के लिए and जो mode of nutrition होता है that is also different in all these organisms. Now they produce by simple cell division. उनका एक cell divide हो जाता है दो में and फिर वो further divide होता जाता है. Few examples are amoeba, paramecium, anthamoeba histolytica, plasmodium, vivax and euglena. ठीक है, clear with the characteristics of protozoa. अब देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फंगाई के बारे में. ना फंगाई जो होते हैं उनका साइज होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर. कुछ फंगाइज यूनिसेलुलर होते हैं, दैट मींस हम उन्हें नेकेड आई से देख नहीं सकते. ऑब्वियसली अगर एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है मींस उसके अंदर एक ही सेल है तो हमें विजिबल ही नहीं होगा. सो क्या लगेगा हमें उसे देखने के लिए? We will need a microscope to observe that. They are eukaryotic organisms, means their cell has proper well-defined nucleus and cell organelles present in them. They are found on dead, decaying organic matter and dead bodies of plants and animals. Okay? फंगाई जो होते हैं वो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब डेड डीकेइंग मैटर पे वो सर्वाइव करते हैं. उनका खाना जो होता है वो इन्हीं डेड बॉडीज से या डेड ऑर्गेनिक मैटर जो भी पड़ा होता है, प्लांट एंड एनिमल के जो डेड बॉडीज प्रेजेंट होते हैं उन्हीं पे ये सर्वाइव करते हैं. सो एज आई सेड दे आर सैप्रोट्रॉप्स, दैट इज दे अब्सॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. दे रीप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बाय सेल डिविजन और बाय बडिंग. सो इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इट्स आइदर सेल डिविजन और बाय बडिंग. फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फंगाई आर बेकर्स ईस्ट, कैंडिडा एंड मशरूम. नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज एल्गे. एल्गे का जो साइज होता है इट रेंजेस फ्रॉम 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर्स. एल्गे यूनिसेलुलर होते हैं एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. यूनिसेलुलर मींस वन सेल, यूकैरियोटिक मींस प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनमें. देन कुछ एल्गेस जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं बट मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर एंड आर विजिबल विद नेकेड आइज. मल्टीसेलुलर है तो चांसेस आर दैट कि वी कैन लुक एट दोज ऑर्गेनिजम्स विद आर नेकेड आइज. इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है. सो एज दे हैव क्लोरोप्लास्ट इन देम दे आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, एल्गे के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स द ऑर्गेनिजम्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इसीलिए हम एल्गेस को ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. एंड दे आर एक्वेटिक, मीन्स वो पानी में ही पाए जाते हैं, ज्यादातर वो पानी में ही रहते हैं. टू एग्जाम्पल्स आर क्लोरेला एंड क्लैमिडोमोनास. नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज वायरस. नाउ वायरसेस जो होते हैं देयर साइज रेंजेस फ्रॉम अराउंड
10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर और यहाँ पे हम माइक्रो नहीं बोल रहे, इट इज नैनोमीटर, मींस ये माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं. सो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली माइन्यूट होते हैं. हम इसे सिंपल माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं सकते, वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, इतने ज्यादा छोटे होते हैं ये, इतने छोटे दैट बैक्टीरिया दैट इज ऑलरेडी सो स्मॉल, जैसे हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उससे भी वो 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर होते हैं. ना वायरसेस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं करते बिकॉज दे आर समवेयर एट द एज. ओके, ना वो लिविंग है ना वो नॉन लिविंग है. दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स. वायरसेस आर लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए और आरएनए कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट. नाउ ये जो वायरसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स होते हैं. ओके, वो इंडिपेंडेंट है बट उन्हें एक्टिव होने के लिए दे नीड अ होस्ट. उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली वायरसेस क्या होते हैं, दे आर अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए जिसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है. वायरसेस कोई भी प्लांट या लिविंग सेल के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं. वंस दे एंटर द होस्ट सेल दे प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन एंड देन क्रिएट न्यूमरस रेप्लिका. After that, they destroy the host cell and become free. These free viruses then infect other numerous new cells. Some viruses जो होते हैं, they are present like an independent particle, but उसे हम living नहीं consider करते, because वो बिल्कुल active नहीं रहते. But जैसे ही उन्हें कोई cell मिल जाता है, that is plant cell या animal cell मिल जाता है, they enter that cell and वो खुद का protein फिर बनाते हैं और उस प्रोटीन का फिर वो न्यूमरस रेप्लिकास बनाते हैं अपने सेल को और मल्टीप्लाई करते हैं. इसके बाद वो होस्ट सेल जिस सेल के अंदर वो घुसे थे उस सेल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ओके, बिकॉज उन्होंने खुद का प्रोटीन बना लिया, दे क्रिएटेड लॉट ऑफ रेप्लिकास ऑफ दैट एंड जैसे ही दैट इज डन होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो एकदम से फ्री हो जाते हैं. एंड वंस दे आर फ्री वो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं एंड By this process, वो पूरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाते हैं. ओके, सो दैट इज वाई वी से दैट वायरसेस को लिविंग भी नहीं कंसिडर करते हैं, नॉन लिविंग भी नहीं करते, बिकॉज वो समवेयर ऑन द एज होते हैं. अनलेस दे गेट अ लिविंग सेल वो एक्टिव नहीं रहते, दे आर इन एक्टिव एट दैट स्टेज. और जैसे ही कोई सेल मिल जाता है वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं एंड उस सेल को अटैक करते हैं. ह्यूमन्स में डिफरेंट वायरसेस जैसे कि पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, एड्स वायरस, ये सब ह्यूमन्स को अफेक्ट करते हैं. देन देर आर फ्यू वायरसेस दैट अफेक्ट प्लांट्स ऑल्सो, जैसे कि टोमेटो ट्रीज के ऊपर विल्ट वायरस होता है दैट इन्फेक्ट्स द टोमेटो प्लांट एंड डिस्ट्रॉयज इट. टोबैको मोसैक वायरस इन्फेक्ट्स द टोबैको प्लांट. देन बैक्टीरियाज के ऊपर भी वायरसेस अटैक करते हैं एंड उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज. ओके, सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ योर चैप्टर. दिस वॉज अ वेरी सिंपल शॉर्ट चैप्टर. तो इस चैप्टर में आपने तीन किंगडम के बारे में सीखा एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के बारे में सीखा है. सो दिस चैप्टर इज क्वाइट ईजी. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको प्रॉपर याद रखने हैं, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट. एग्जाम्पल्स याद रखना इंपॉर्टेंट है. सो विल स्टॉप हियर एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स डू आस्क योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक माई टीचिंग डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. दिस इज श्रीजा साइनिंग ऑफ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.